दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल दीपक दहिया को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर एएसआई बना दिया गया है। साथ ही हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ चिल्लर को भी बहादुरी के इनाम में एएसआई के पद पर प्रमोशन दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स और मैं हूं ज्योति प्रकाश थादीज। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल दीपक दहिया को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर एएसआई बना दिया गया है। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिंधु को गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्य रहे दीपक दहिया को यह विशेष इनाम प्रदान किया गया है। साल 2020 के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे के वक्त एक तस्वीर और वीडियो की चर्चा पूरे देश में हुई थी। दरअसल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान ही जफराबाद इलाके में हुई हिंसा के मद्देनजर दीपक दहिया की अचानक तैनाती कर दी गई थी, जिसमें एक दंगाई से आमना सामना होने के दौरान दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल दीपक दहिया मौत के सामने अपना सीना चौड़ा करके खड़े हो गए थे। दरअसल दीपक दहिया के चेहरे पर शाहरुख नाम के एक आरोपी दंगाई ने पिस्टल तान दिया था। उसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और उस दंगाई को भागने पर मजबूर कर दिया था। अब जानते हैं आखिर कौन है दीपक दहिया। 32 साल के दीपक दहिया हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। सोनीपत निवासी दीपक वर्ष 2012 में दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे। इसके बाद से वे लगातार दिल्ली में कई जगहों पर तैनात रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हेड कांस्टेबल की परीक्षा पास की है। दीपक दहिया के परिवार में ज्यादातर लोग सुरक्षा से जुड़े पेशे में हैं। दीपक के पिता इंडिया कोस्ट गार्ड में सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनके दो छोटे भाई एक दिल्ली पुलिस में ही तैनात है तो दूसरा कोस्ट गार्ड में है। दीपक फिलहाल जनकपुरी इलाके में स्थित स्पेशल सेल में तैनात है। अब जानते हैं हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ चिल्लर के बारे में। फिल्मी अंदाज में अपने पैर से दरवाजा तोड़ने और अपराधी को पकड़ने में माहिर हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ चिल्लर अब हेड कांस्टेबल से एएसआई बन चुके हैं, जिसे नेशनल साइबर क्राइम यूनिट में उसके साथी प्यार से खली भाई या अर्नोल्ड सहित कई अन्य नामों से बुलाते हैं। पिछले 2 से 2.5 सालों के दौरान करीब 40 मामलों की तफ्तीश के दौरान इस बहादुर जवान सिद्धार्थ चिल्लर ने कई बार अपनी टीम को मुश्किलों से बचाया है। उन्होंने कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।